हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और सेलिब्रेटेड अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सीमोर हर्श ने एक रिपोर्ट में यह मेगा रिविलेशन किया कि यूक्रेन अब यूएस डॉलर्स के बदले रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा है। मतलब वो यूक्रेन जिसने इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने पर बोला था कि हम रशियन ऑयल यूक्रेनियंस के खून से खरीद रहे हैं, आज मालूम पड़ता है कि ऑल द वाइल इतने टाइम से ये देश खुद रशिया से ही तेल खरीद रहा था। वो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ ये ऐसा ही कुछ टर्न आउट हो गया यहाँ पर। अब उस ट्रेड अकाउंट के डिटेल्स को डिस्क्लोज ना करते हुए उन्होंने एक एस्टिमेट दिया कि यूएसए अपने अफगानिस्तान इन्वेजन के वक्त पर गैलन ऑयल $400 देता था, तो रशिया यूक्रेन डील भी इसी प्राइस रेंज में ही होगी। बट ये ज़ेलेंस्की और उनकी गवर्नमेंट पर एक अकेला एलिगेशन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि CIA को अच्छे से ये पता था कि कौन सा यूक्रेनियन ऑफिशियल करप्ट है। हर्श ने ये रिवील किया कि जनवरी में CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग हुई, जहां पर बर्न्स ने उन्हें 35 करप्ट यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के नाम दिए। और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली दुनिया को दिखाने के लिए अपने 10 ऑफिशियल्स को फायर कर दिया। इससे बेसिकली वो इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ अपना नाम बचाना चाहते थे, क्योंकि 2021 के एक रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन यूरोप की सेकेंड मोस्ट करप्टेड कंट्री थी। यूक्रेनियन पॉलिटिशियंस में करप्शन इतना हाई है कि पैंडोरा पेपर्स में सबसे ज्यादा वहीं के पॉलिटिशियंस के सीक्रेट्स रिवील हुए। एंड माय फ्रेंड्स, उन्हीं में से एक है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। अब इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, ऐसा है ना कि 2021 में पैंडोरा पेपर्स लीक हुए थे, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने वर्ल्ड वाइड कई सारे करप्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोल खोली थी। और उन्हीं रेवलेशंस में ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर्स की ऑफशोर फेक बोगस कंपनीज के स्कैंडल्स भी सामने आए। सो बात शुरू होती है कुछ 2012 से, जब ज़ेलेंस्की ने अपने पार्टनर्स के साथ क्वार्टल 95 नाम की टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसने 1+1 इस टेलीविजन स्टेशन पर रेगुलर टीवी कंटेंट बनाना शुरू किया। इसके ओनर द ओलिगार्क इहोर कोलोमोइस्की, एन एलिजेड $multi-billion फ्रॉडस्टर, जिनका नाम आप अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे जाके मैं इनके कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो देखो, 2017 में एक ऑफशोर शेल कंपनी मॉल्टेक्स मल्टी कैपिटल कॉर्पोरेशन के शेयर्स डिवाइड होकर ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर्स में डिवाइड हो गए। उन्हीं पार्टनर्स में से एक थे बोरिस शेफिर, जिन्हें कंपनी के ऑपरेशंस का कोई आइडिया ही नहीं था, और इनफैक्ट किसी ओनर को भी नहीं था, क्योंकि मॉल्टेक्स के सारे फाइनेंसेस को सिर्फ एक ही पार्टनर संभालता था, आइवन बाकेनोव। तो मॉल्टेक्स में से ना बटा हुआ ज़ेलेंस्की का हिस्सा उसकी कंपनी फिल्म हेरिटेज के पास गया, जिसकी को ओनर उनकी वाइफ ओलेना ज़ेलेंस्की खुद थी। अब फिल्म हेरिटेज मॉल्टेक्स के 1/4 ओनर थे, बट फिर भी 2018 में पब्लिक एसेट डिक्लेरेशन में ज़ेलेंस्की ने मॉल्टेक्स के ओनरशिप को कहीं भी मेंशन नहीं किया। अब ये तो कुछ भी नहीं है, 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की हीट में खुद के कॉमन मैन इमेज बनाने के चक्कर में ज़ेलेंस्की ने फिल्म हेरिटेज से भी रिजाइन कर दिया और इनकी कंपनी ने मॉल्टेक्स के सारे शेयर्स किसी दूसरे कंपनी को बेच दिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट डू यू नो कि दूसरी कंपनी का ओनर कौन था? Well, उनके क्वार्टल 95 के पार्टनर और बोरिस शरीफ के भाई सेरही शरीफ और इस पूरी डील को करवाने वाले लॉयर थे लूरी आजारोव, जिन्होंने इस डील के जस्ट 6 हफ्ते बाद ही एक और एक एग्रीमेंट को साइन करवाया। अब इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक मॉल्टेक्स को यह कंपल्शन था कि उसे अपने डिविडेंड के पैसे उनके एक्स शेयर ओनर फिल्म हेरिटेज को पे करते रहना होगा, यानी उन सारे पैसों की सोल ओनर रहेगी ज़ेलेंस्की की वाइफ ओलेना। बट ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 2019 में अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए ज़ेलेंस्की को फंड्स उसी ओलिगार्क इहोर कोलोमोइस्की से मिले थे। पेपर्स में ये भी रिवील हुआ कि ज़ेलेंस्की और उनके पार्टनर्स की शेल कंपनीज को फंडिंग इहोर की बैंक द प्राइवेट बैंक से ही मिलती थी। अब फ्रेंड्स, ये जो पैंडोरा पेपर्स लीक हुए थे, इसमें कई हाई लेवल के हैकर्स का भी काम था। ये सारी इन्फॉर्मेशन अक्सर कई हाई लेवल के हैकर्स निकाल लेते हैं, जिसके कारण एथिकल हैकिंग या इन जनरल IT फील्ड में आजकल काफी ज्यादा स्कोप हो चुका है। वैसे अगर आप IT फील्ड से नहीं हो और मे बी आपकी सैलरी कम है और आप IT इंडस्ट्री में दाखिल होना चाहते हो, कोडिंग इन्वेडर्स के साथ ये बहुत ही आसान हो चुका है। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको IT में करियर बनाने को क्विक स्टार्ट करता है, हाई पेइंग जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, वो भी सिर्फ 9 महीनों में। नो वरीज एट ऑल अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से भी हो तो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करने के लिए प्रोफेशनल्स यहाँ पर मौजूद है फ्रॉम कंपनीज लाइक इन्फोसिस, ZTV एक्सेट्रा, जो आपको IT करियर बनाने में हेल्प करेंगे। प्लस इस कोर्स में आपको हर हफ्ते 30 से भी ज्यादा बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस मिलेंगे। यही नहीं, इस कोर्स के दौरान आपको SQL और Python भी सिखाया जाएगा, और कोडिंग इन्वेडर्स के 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ आप भी इन्हीं की तरह जीरो से हीरो बन सकते हो। इन्होंने अब तक 300+ हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू 20,000+ कैंडिडेट्स को 15 LPA पैकेजेस वाली जॉब दिलाई है। एंड डोंट फॉरगेट 100% प्लेसमेंट गारंटी है। यूज माय कूपन कोड GET45 और पाओ 45% डिस्काउंट डेटा साइंटिस्ट कोर्स पर। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो
And now let's jump back to the topic. अब इस strategy से कोलोमोइस्की the oligarch Zelensky को जिताकर political power को shift करना चाहता था। बात ऐसी है कि ex Ukrainian president Poroshenko और Ihor के बीच थोड़ी अनबन है। अब उनके बीच ये tensions पहले से ही थे, लेकिन ये तब escalate हुई जब 2016 में Poroshenko led Ukrainian government ने Ihor की private bank नाम की एक bank को financial shortage का नाम देकर nationalize कर दिया। और Ihor पर ये allegations लगाए कि उसने अपने ही bank से $5.5 billion को चुराकर बिजनेस पार्टनर की ऑफशोर कंपनी में फनल आउट कर दिया। इसीलिए शायद Ihor ने Zelensky और बाकी पार्टनर्स को वर्चुअली टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया। और बाय द वे वो पार्टनर्स कौन थे? सर्हिया शफीर, जिन्हें प्रेसिडेंट का फर्स्ट असिस्टेंट बनाया गया, और आइवन बैकेनोव, जो सिक्योरिटी सर्विस चीफ बन गए। इससे साफ ये पता चलता है कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट के सारे टॉप पोजीशंस करप्ट ऑफिशियल से भरे हुए हैं, जो शायद इस रशियन डील में भी अपना खुद का फायदा देख रहे हैं। वो दुनिया की नजरों में धूल होकर नए वे से ट्रेड कर रहे हैं। बात ऐसी है ना कि यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया को दिखाने के लिए सैंक्शंस तो लगाए, पर रशिया से अपनी डिपेंडेंसी को कम नहीं कर पाए, जिस वजह से वो दुनिया के सामने नजर नहीं आने के लिए मिडिलमैन बनने वाली कंट्रीज से रशियन एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। और कभी कभी तो इसमें कुछ थर्ड पार्टी शिपिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये ट्रेड चेन्स ना कुछ ऐसे चलते हैं। रशिया अपने शैडो फ्लीट्स की हेल्प से अपने ऑयल रिसोर्सेज को किसी मिडिलमैन कंट्री को अंडर द टेबल एक्सपोर्ट करता है। और वेल, शैडो फ्लीट्स उन बोट्स को कहा जाता है जिन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स, बिना इंश्योरेंस और अपने ट्रांसमिटर्स, ये बोट्स इन कंट्रीज के ऑफशोर कंपनीज पर रजिस्टर्ड होती है, जो इस ऑयल को बाय करने के लिए और रशिया तक पेमेंट्स पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यूक्रेन और रशिया ऑयल ट्रेड करने का एक कन्वेंशनल तरीका भी यूज कर रहे, और वो है थर्ड पार्टी कंट्रीज को पाइपलाइंस के थ्रू ऑयल पहुंचाना, जहां से यूक्रेन डायरेक्ट ऑयल खरीदता है। कई क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि इस सिचुएशन में यहां मिडिलमैन अजरबैजान है, क्योंकि EU पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया गया कि कैसे हर साल अपना प्रोडक्शन कम करने के बाद भी अजरबैजान अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा ही रहा है। हालांकि अजरबैजान ने इस बात को डिनाई किया है, लेकिन आज भी उनके हर दिन 2 लाख से भी ज्यादा बैरल्स एक्सपोर्ट होते हैं। बट फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस दोगलेपन में सिर्फ यूक्रेन ही अकेला देश नहीं है। सैंक्शंस लगाने के बाद भी आज EU के मैक्सिमम कंट्रीज रशिया से ही ऑयल और यहाँ तक की गैस भी इम्पोर्ट करते हैं। EU एज अ होल ने पिछले 3 सालों में LNG गैस का सबसे ज्यादा इम्पोर्ट किया है। ग्रीन पीस एक रिसर्च फाउंडेशन की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि फ्रांस अब भी रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, और इससे ये समझ में क्लियरली आता है कि यूरोप एनर्जी के हर रिसोर्स के लिए रशिया पर ही डिपेंडेंट है। बट फ्रेंड्स, जहां पर मिडिल ईस्ट इन रिसोर्सेज का हब कहलाया जाता है, फिर क्यों यूरोप को रशिया से ही इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है? इसका सिंपल आंसर है, रशिया से मिल रहे चीप रिसोर्सेज, जो सोवियत एरा के बने पाइपलाइंस के थ्रू चीपर कॉस्ट में सप्लाई होते हैं। अब अगर यूक्रेनियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यूक्रेन में एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है। इस वॉर की वजह से उनके सारे रिजर्व्स डिप्लीट होने लगे हैं। उनकी हालत और खराब करने के लिए रशिया ने सबसे पहले बॉम्बिंग्स यूक्रेन के ऑयल रिफाइनरीज और पावर ग्रिड्स पर किया, जिसकी वजह से उन्हें $9.1 बिलियन का नुकसान हुआ। इस क्राइसिस से वो उभर नहीं सकते, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करके यूक्रेन के 60% कोल रिफाइनरीज वाले एरियाज को अपने अंडर ले लिया है। बट इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरे यूरोप के सर पर मंडरा रही है, वो है विंटर्स। बात कुछ ऐसी है ना कि यूरोप विंटर्स में कुछ ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करता है, जिसमें मेजर एनर्जी फ्यूल है LNG, और इस रिसोर्स के लिए वो रशिया पर हेवीली डिपेंडेंट है। ये LNG इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें मेजरली हर इंडस्ट्री में यूज भी किया जाता है, कार बनाना, ग्लास बॉटल्स बनाना, और यहाँ तक कि मिल्क एंड चीज को पैस्टराइज करने में भी। इसके इंपोर्ट्स आज भी इतने फुल स्केल पर शुरू है कि यूरोपियन पोर्ट्स डिस्पाइट वॉर रशिया से इंपोर्टेड LNG के कंटेनर से भरे हुए हैं, जो कई दिनों तक बस उन्हें अनलोड करने रुकते हैं। लेकिन वहीं पर इस क्राइसिस को फेस कर रहे Zelensky सारे कंट्रीज से सिर्फ मिलिट्री एड मांग रहे, जिसमें सबसे आगे है USA। अब तक वॉर पीरियड में USA ने $35.1 बिलियन का मिलिट्री एड प्रोवाइड किया है, जिसमें ऑफ कोर्स US का सुप्रीम इंटरेस्ट है। यूरोपियन ऑफिशियल्स अब भी US पर ये एक्विजिशंस लगा रहे हैं कि US इस रशिया यूक्रेन वॉर में हैवी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे वो US हो या EU, दोनों यूक्रेन वॉर से खूब प्रॉफिट्स कमा रहे, क्योंकि मिलिट्री एड के नाम पर दिया हुआ पैसा इनके ही कंट्री में रहता है, और साथ में इनका इंटरनेशनल लेवल पर PR भी हो जाता है। देखो, बात ऐसी है ना, USA के कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री एड अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट वो पैसे किसी अमेरिकन वेपन कंपनीज को देते हुए वेपन्स प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब इस ऑर्डर का प्रोडक्शन होते ही ये कंपनीज उन नए वेपन्स को यूक्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। इससे US गवर्नमेंट के अलॉटेड पैसे उन्हीं के कंट्रीज में रहते हैं, जिससे उनकी
कंपनीज का प्रॉफिट होता है। बेसिकली वॉर हो रहा है, इसीलिए अमेरिका की वेपन्स बनाने वाली दुकानें चल रही है, उनका धंधा चल रहा है। तो यूएसए आखिर क्यों चाहेगा कि वॉर बंद हो? और इसी वजह से आज सिर्फ वॉर पीरियड में लॉकहीड मार्टिन और रेथियन जैसी कंपनीज के स्टॉक्स 38% से बढ़ चुके हैं। और कुछ इसी तरीके से यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज दूसरे देशों के वॉर में अपनी रोटियां सेकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के रिलेटेड जब मैंने थोड़ी और इन डेप्थ रिसर्च की, तब पता चला कि 20 यूएस लॉ मेकर्स ने तो खुद से या उनके स्पाउसेस ने उन्हीं डिफेंस कंपनीज के शेयर्स खरीदे हुए हैं जिन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले थे। इससे ये नेक्सस कितना फैला हुआ है ये आपको समझ में आ रहा होगा। खैर फ्रेंड्स, अब अगर रशिया की बात करें तो जहां पर ये सैंक्शंस रशिया के लिए थे, उन्हें इससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ा है। अकेले वॉर के दौरान में रशिया ने फ्रीकिंग $315 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, जिसमें आधा तो सिर्फ उन्होंने यूरोप से ही कमाया था, $149 बिलियन। इससे बेसिकली ये देखने के लिए मिलता है कि जहां पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि इंडियंस रशिया से यूक्रेनियंस का खून खरीद रहे हैं, वही अब यूक्रेनियन गवर्नमेंटल एनर्जी डेफिसिट मीट कराने के लिए अपने दुश्मन के सामने झुक रहे हैं, और पहले भी ये कर रहे थे, सिर्फ हमसे छुपाए रखा था। मेरा ओपिनियन ये है कि यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने अब सबसे पहले इस एलिगेशन पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, और दूसरा उन्हें अपने सिटीजन्स को आए हुए एड्स को ट्रांसपेरेंटली रखना चाहिए सबके सामने, और तभी जाके वो एक्चुअल में अपने सिटीजन्स का भरोसा जीत पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक और एक वॉर इंडियन ओशन में यूएसए ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है, जिसे मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया। इस वॉर में इंडिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को, क्योंकि आपको इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाजा आएगा। और इस वीडियो में ज़ेलेंस्की को लेकर आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर ठोकना, गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।